गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टुडे इज क्लास 12th कॉमर्स, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, चैप्टर 1.3, चैप्टर नेम लेवल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर एवं कार्य। मैनेजमेंट के लेवल को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मेंबर्स को हम किस किस पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जितने भी मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है मैनेजेरियल मेंबर और दूसरा होता है नॉन मैनेजेरियल मेंबर, प्रबंधकीय सदस्य और अप्रबंधकीय सदस्य। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जो सदस्य प्रबंध में पार्टिसिपेट करते हैं यानी कि प्रबंध से रिलेटेड कामों को करते हैं उनको क्या बोलेंगे, प्रबंधकीय सदस्य। और अप्रबंधकीय सदस्य कौन से थे, जो प्लेटफॉर्म एरिया पे काम करती हैं यानी कि मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, अप्रबंधकीय सदस्य, नॉन मैनेजेरियल मेंबर्स। तो प्रबंधकीय जो सदस्य होते हैं, मैनेजेरियल मेंबर्स होते हैं, उसमें हम किन्हें शामिल करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, सुपरवाइजर, ये सभी आएंगे हमारे मैनेजेरियल मेंबर्स में। जैसे कि डायग्राम बना हुआ है, जो हमारा CEO होता है, डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है, सुपरवाइजर होता है, इनको हम मैनेजेरियल मेंबर्स में शामिल करेंगे। और जो श्रमिक यानी कि वर्कर होते हैं, जो प्लेटफॉर्म एरिया पे काम करते हैं, इनको हम नॉन मैनेजेरियल मेंबर्स में शामिल करते हैं। हमें डायग्राम बना के दिखाया हुआ है कि मैनेजमेंट के लेवल को जो भी मेंबर होते हैं टू प्रकार से हम उन्हें डिवाइड करते हैं। सबसे पहला मैनेजेरियल और दूसरा नॉन मैनेजेरियल। मैनेजेरियल मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और नॉन मैनेजेरियल को क्या बोलेंगे, नॉन मैनेजेरियल लेवल। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर। मिडल लेवल में डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर। लोअर लेवल में सुपरवाइजर और फोरमैन आते हैं। और जो सबसे नीचे का एरिया होता है जहां हमें नॉन मैनेजेरियल मेंबर को शामिल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म एरिया। इसमें कौन कौन आएंगे, हमारे वर्कर्स और अदर जो मेंबर्स जो कि मैनेजिंग से रिलेटेड नहीं है, कहां आएंगे हमारे नॉन मैनेजेरियल लेवल में। तो अब हमने मैनेजमेंट के तीन लेवल पढ़े हैं, उनको हम तीनों को डिटेल में स्टडी करेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। टॉप लेवल मैनेजमेंट का सबसे पहला काम होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करे। तो ऑब्जेक्टिव कौन सेट करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसे कि हमें एग्जांपल दिया हुआ है, मानो कि एक कंपनी जो है उसका उद्देश्य ये है कि अगले वर्ष में उसे अपनी बिक्री को 1000 करोड़ के पार ले जाना है। तो उद्देश्य क्या होगा, बिक्री 1000 करोड़ के पार लेके जाना, यानी कि 1000 करोड़ से कम बिक्री नहीं होनी चाहिए, हमें उससे ज़्यादा बिक्री करनी है। अब जो उद्देश्य डिसाइड किया उसके लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या बनाएगा, डिटरमाइनिंग पॉलिसीज, नीतियाँ बनाएगा। तो अब ऑब्जेक्टिव को, बिक्री का जो ऑब्जेक्टिव रखा है उसको प्राप्त करने के लिए सेल्स पॉलिसी हमें बनानी होगी, बिक्री नीति। जैसे कि हमने नीति बना दी कि केवल नगद बिक्री ही की जाएगी, हम उधार बिक्री नहीं करेंगे। डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़, क्रियाएँ निर्धारित करना। अब हमने उद्देश्य जो कि निर्धारित किया है उसके लिए अलग अलग जो एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे परचेज, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, इन सभी को डिटरमाइन कौन करेगा, हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। असेंबलिंग रिसोर्सेज, अगर हमें हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हमारे पास संसाधन नहीं है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जितने भी संसाधन चाहिए, जैसे पूंजी, माल, स्थायी संपत्तियाँ, इन सभी की क्या करेगा, अरेंजमेंट, यानी कि रिसोर्सेज को जुटाएगा। कार्य निष्पादन पर नियंत्रण रखना, कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। एक्चुअल में जो काम हो रहा है, जो काम वर्कर्स जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उस पर क्या है, लगातार कंट्रोल रखा जाता है, लगातार उसको सुपरवाइज किया जाता है ताकि उद्देश्य को जो है टाइम पे प्राप्त किया जा सके। और क्या करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, अप्रूविंग बजट्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट जो है अपने अपने बजट तैयार करता है, तो उन बजट्स को अप्रूवल कौन प्रदान करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजमेंट जो है लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच में एक कड़ी का काम करता है। इसमें हम डिविजनल अध्यक्षों को, विभाग अध्यक्षों को, प्लांट सुपरिटेंडेंट, इनको शामिल करते हैं। ये क्या क्या काम करता है, नीतियों की व्याख्या करना, जो पॉलिसीज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा बनाई गई हैं उसको क्या करेगा, इंटरप्रेट, उसको व्याख्या करेगा, उसको अपने मेंबर्स को समझाएगा जो हर एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनको उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो भी नीतियाँ बनाई गई है उसकी एक्सप्लेन देगा, यानी कि उनकी व्याख्या करेगा किस प्रकार से क्या क्या काम करना है। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, संगठनात्मक ढांचा तैयार करना।
अपने अपने जो है विभागों के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, संगठनात्मक ढांचा, कि कौन व्यक्ति कहाँ काम करेगा, किस व्यक्ति का क्या कार्य रहेगा, क्या उसका अधिकार रहेगा। कर्मचारियों की नियुक्ति करना, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज, प्रत्येक डिपार्टमेंट अपने विभाग में जितने भी कर्मचारियों की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है वांछित कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। इशूविंग इंस्ट्रक्शन, निर्देश जारी करना, अपने अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर क्या करते हैं, अपने डिपार्टमेंट में काम करने वाले वर्कर्स को टाइम टू टाइम गाइडलाइंस प्रदान करते हैं, उन्हें निर्देश देते हैं। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ को क्या करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मोटिवेट करता है ताकि कंपनी के जो उद्देश्य हैं उनको आसानी से पूरा किया जा सके। क्रिएटिंग कॉपरेशंस, क्योंकि प्रत्येक काम को करने के लिए हमारे पास कॉपरेशन का होना ज़रूरी है, अगर कॉपरेशन नहीं होगा, सहयोग समन्वय नहीं होगा तो हम अपना ऑब्जेक्टिव प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट्स के मैनेजर एक दूसरे के डिपार्टमेंट में क्या करें, कॉपरेशन स्थापित करने के में का काम करते हैं ताकि टाइम पे जो ऑब्जेक्टिव है वो प्राप्त हो सके। लोअर लेवल और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, निम्न स्तरीय अथवा परिचालन प्रबंध, इसमें किसको शामिल करते हैं, इसमें हम सुपरवाइजर और फोरमैन को शामिल करते हैं। ये क्या क्या काम करते हैं, श्रमिकों की पीड़ा को प्रेषित करना, सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंस, अगर श्रमिकों को कोई समस्याएं हैं तो या तो ये अगर छोटी समस्या होती हैं तो ये स्वयं ही निपटा देते हैं, लेकिन अगर कोई गंभीर समस्या होती है तो श्रमिकों की समस्याओं को किसके पास पहुंचाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। एंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, जहाँ श्रमिक काम कर रहे हैं वहाँ जो है कार्यस्थल पर अच्छा पानी, बिजली, हवा, सफाई, मैत्रीपूर्ण संबंध, इन सभी की क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, इन सभी की अरेंजमेंट है श्रमिकों के लिए करते हैं। श्रमिकों की सुरक्षा निश्चित करना, एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, जहाँ जो है श्रमिक काम कर रहे हैं वहाँ दुर्घटनाओं की अगर संभावना है तो उनको समाप्त किया जाता है, अच्छा कार्य वातावरण जो उन्हें प्रदान करते हैं। मध्यस्तरीय प्रबंध की सहायता करना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की किस प्रकार से सहायता करते हैं, कर्मचारियों के सिलेक्शन में, उनकी ट्रेनिंग में, प्रमोशन में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इन्वाइटिंग सजेशंस, अगर वर्कर्स को काम को कोई करने का कोई और बेहतर तरीका होता है तो उनसे क्या मानती हैं, सुझाव आमंत्रित करते हैं। क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन, अच्छे मानवीय संबंध किस प्रकार से बनाते हैं, ये कि जो भी एम्प्लॉयज़ की समस्याएं हैं उनको टाइम पे सोल्व करके, टाइम पे उनको टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास पहुंचा करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। अगर समस्याएं टाइम पे दूर हो पाएंगी तो जहां वो काम कर रहे हैं वहां पर क्या डिस्प्यूट्स को हम टाल सकते हैं। तो ये थे हमारे पास मैनेजमेंट्स के लेवल्स, तीन लेवल होते हैं हमारे पास, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। थैंक्स।